नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। पीएनबी 30 अप्रैल से अपनी एक खास सर्विस पीएनबी किट्टी को बंद करने जा रहे हैं। पीएनबी किट्टी एक डिजिटल वॉलेट है जिसके जरिए ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन किया जाता है। इसमें कंप्यूटर या स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर ऑनलाइन खरीदारी करना भी शामिल है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग की जगह पीएनबी किट्टी से पेमेंट की जा सकती है। इसमें नेट बैंकिंग का पासवर्ड या कार्ड की जानकारी आदि भी किसी के साथ शेयर नहीं होती है। पीएनबी ने पीएनबी किट्टी के यूजर से कहा है कि वे अपने वॉलेट में पड़े पैसे 30 अप्रैल तक या तो खर्च कर ले या फिर आईएमपीएस के जरिए ट्रांसफ़र कर ले। बैंक ने पीएनबी किट्टी को बंद करने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि पीएनबी किट्टी के जरिए आप तमाम तरह के ट्रांजेक्शन 30 अप्रैल तक कर सकते हैं। आपको बताते चले कि पीएनबी किट्टी से मोबाइल नंबर के जरिए वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में आईएमपीएस के जरिए भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच टीवी, यूटिलिटी बिल पेमेंट ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, इसी के साथ क्यूआर कोड के जरिए भी पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जानकारी दे दें कि पीएनबी किट्टी वॉलेट को तभी बंद किया जा सकता है जब इसका बैलेंस ज़ीरो हो। अगर बैलेंस ज़ीरो नहीं है तो यूजर्स इसे खर्च कर सकते हैं या फिर आईएमपीएस के जरिए दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।